एवरीवन, वेलकम टू ओल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं आपको किचन गार्डन का टूर देती हूँ। ये देखिए, ये कीनू का पौधा लगा है और हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये मोगरा लगा है। देखिए, मोगरे के फूल बीच में लगे हैं, कितने सुंदर ये खिल रहे हैं। ये हमने ढेर सारा पुदीना लगा रखा है। पीछे आप मोरों की आवाज़ सुन रहे होंगे। और ये देखिए, छोटे से नींबू के पौधे में फूल आ रहे हैं, इसकी गुड़ाई अभी करनी बाकी है। ये देखिए, आप पास से देखिए, फूल जो हैं अच्छे से लगे हुए हैं और इसमें नींबू लगेंगे हमारे। ये हमने लगाई है तोरी की बेल, जो फैलना शुरू हो गई है और इस पर भी फूल आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये इलायची का पौधा है, धूप से थोड़ा सूख गया है। ये भी तोरी की बेल है एक और। और ये जिसकी मैं आपको चटनी बताती हूँ, गुणकारी मरवे की चटनी, वो कुछ इस तरह का पौधा है। गमले में थोड़ा कम फैलता है बट ज़मीन में देखिए आप कितने अच्छे से लगा हुआ है। ये है मरुआ, मरवा, इसकी चटनी मैंने डाली हुई है और बहुत ही अच्छी होती है। डायबिटीज़ के लिए भी बहुत बढ़िया है ये पत्ते। और इसकी ना पंजेंट सी स्मेल होती है, तो इसकी स्मेल से ना सांप वगैरह भी पास में नहीं आता है। तो ये है हमारा टोटल बड़ा सा मरवे का पौधा। ये हमने रोजमेरी लगा रखा है, हर्ब रोजमेरी मेरा गमले में हो रखा है, बड़ी मुश्किल से ग्रो हुआ है। ये कुछ फ्लावर हैं और ये देखिए कड़ी पत्ता, कितना बड़ा पेड़ है इसका। तो ये है कड़ी पत्ता, नीचे से फ्रेश लीव्स हैं आप देखिए। और ये ना बहुत बहुत अच्छी खुशबू है इसमें। किसी किसी पत्ते में जैसे खुशबू नहीं होती ना, इसमें बहुत बढ़िया खुशबू है। ये बटन रोजेज हैं, अभी देखिए कलियां आ रही हैं सब में। ये देखिए छोटी छोटी कलियां हैं, जब खिल जाएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये छोटा सा आम का पौधा है, ये बेल पत्र है। देखिए यहाँ पर तुलसी जी हैं, सा लगाई हुई है हमने, नीचे जमीन में भी है। और ये बेजिल लीव्स है गमले में, ये देखिए पास से ग्रीन और वो श्यामा तुलसा है, तो बहुत ही खूबसूरत है। ये हमारी लौकी की बेल है, इस पर भी फूल आना शुरू हो गया है। आपको पास से दिखाऊं बट कितना लगेगा वो बाद में पता चलेगा कोशिश है कि बहुत अच्छे से ही फैले। ये हमारे टमाटर के पौधे हैं। ये देखिए हरी मिर्च, आपको दिखाऊं मैं, ये लगी हुई है छोटी छोटी हरी मिर्च, इसमें भी आपको दिखाऊं मैं पास से, देखिए क्लोजअप करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना खुशी होती है सुबह सुबह ये देखकर। ठीक है, लग रहा है ना सुंदर। और ये ना हमने शिमला मिर्च का पौधा लगाया है, ये छोटी छोटी गोल गोल अभी आ रही हैं, देखिए कितना आती हैं पता चलेगा। वे मिर्ची के पौधे, टमाटर में भी फूल भी आ रहा है और कच्चा देखो लगा हुआ भी कहीं कहीं आपको दिखेगा। ये देखिए, तो बहुत बहुत खुशी होती है। ये लाल चुलाई जिसकी मैंने सब्जी डाली है, ये भी हमारी लगी हुई है बीच बीच में साइड में। और ये है हमारे बैंगन के पौधे, बैंगन में भी मैं आपको दिखाऊं फूल आ रहा है कुछ में, देखिए। और यहाँ पे आपको दिखाऊंगी धीरे से, नीचे से बैंगन लगा हुआ है, ये देखिए बैंगन लगा है, गोल बैंगन है, ये लंबे वाला बैंगन है, तो बहुत बहुत खुशी होती है। और ये देखिए, ये है करेले की बेलें, करेले पर फूल आ गया है, जब लगेंगे तब हम आपको दिखाएंगे। ये नीचे मैंने इसके पुदीना लगाया हुआ है एक जगह, और यहाँ धूप कम आती है। ये देखिए बहुत ही सुंदर,
खुशी होती है इनको देख के ना। ये हल्दी है, हल्दी के पौधे हैं, कुछ इस तरह से लगती है हल्दी, फ्रेश हल्दी। तो बहुत बढ़िया। ये फिर एक और आम का पेड़ है, ये फिर इधर करेले की बेल है, ये देखिए बहुत बढ़िया से चढ़ गई हैं, ये देखिए, ये देखिए। और ये है एक और नींबू का पेड़ जिसपे काफ़ी सारा फल आया हुआ है। सुबह सुबह का टाइम है तो मैं थोड़ा धीरे से बोल रही हूँ, आप देखिए फूल भी आया है और नींबू भी लगे हुए हैं। तो बहुत बहुत खुशी होती है देख के, देखिए कितने सुंदर। और ये है जामुन का पेड़, इसमें आप पास में देख सकते हैं जामुन लगी हुई है। ये है शरीफे का पेड़। तो बस आज इतना ही दिखाते हैं, फिर नेक्स्ट अगर आप कहेंगे तो मैं एक और आपको राउंड लगवाऊंगी। इसमें आप क्लोजअप करके देखेंगे ना जामुन लगी है, ये देखिए। तो कैसा लगा? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।